जो नुक्ते हुण तक बीएड एंट्रेंस टेस्ट लई 10 के आया हां उन्हां तो इलावा दो चार नुक्ते होर ने कुछ तो रिपीट होणगे कि असीं जाणदे हां कि नैगेटिव मार्किंग नहीं है सो गैसवर्क लगाना है हर हालत विच 150 क्वेश्चन ने 150 दे 50 क्वेश्चन पूरे होने चाहिए हैं ये नहीं होना चाहिए कि तुसी 149 अटैम्प्ट करते हो तुसी जिन्ने भी क्वेश्चन तुहानू आंसर राइट आंदे है पहला स्टैप है कि नॉलेज बेस सारे सही करो टाइम तो पहला लास्ट क्वेश्चन ते पहुंचो रीजनिंग बेस्ड रीजनिंग मीन के पार्शियल नॉलेज है उस ते कंपैरिजन करके एक दूजे ना संबंध देखे वर्ड दा मीनिंग देख के अंदाजा लगा के तुसी राइट आंसर ते रीजनिंग ना पहुंच सकते हो। तीसरा है कि तुसी जेड़े गैस वर्क ऑलरेडी मैं 10 के आया हाँ लोंग टेल हो सकती है ओपोजिशन है एक्सट्रीम टर्म नू अवॉइड करना है ये मैं नहीं दस्या वैसे हुण फिर दस दिना हाँ जिवें के एक्सट्रीम टर्म है कि आलवेज है नैवर है ओनली है यह मोस्टली गलत होने की संभावना होंगी है कि यह आइट जी ऑप्शन है गलत होगी सो इस इस तरह विचार करना है पर चलना विचार नाल ही है। लास्ट उत्ते जो कुछ भी मैथड नहीं चलता जो थोड़े तो हाथ में उसका आंसर नहीं है फिर तुसी ए बी सी डी ते फुटप्रिंट वाले पैरां दे निशान वाला जिहड़ा प्रिंसीपल दस्या सी कि लगातार ज़्यादा क्वेश्चन एक ही ऑप्शन दे ठीक नहीं हुंदे हाँ दो हो सकते ने ओ वीडियो दा तुसी सहारा लैके लास्ट ते उस नाल तुसी 150 दे 50 क्वेश्चनां नूं निशान लगा के आना है। OMR शीट भरदे होए एक गल्लां दा ध्यान रखना है कि बैटर है कि यूनिट वाइज डिवीजन करो पर एक किसी दी मेरी गल भी नहीं मननी जो माइंड सैट हुण तक तुसी कर लिया है उस माइंड सैट ते ही टिके रहना है जेकर प्रैक्टिस या विजुअलाइजेशन की है तो नवी टेक्नीक नू अपनाना है। एक होर कोशिश करनी है कि पेपर तो आके बाद विच एक डायरी ते जरूर रिफ्लैक्शन जरूर लिखो रिफ्लैक्शन है रिफ्लैक्शन डायरी जरूर लिखो जिहदे विच तुसी ये लिखना है कि मैं इस पेपर नू दिंदे हुए की गलतियां कीतियां कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट रहे और नैक्सट टाइम इस तरह का पेपर हुंदा है तो मैं किहड़ियां गल्लां दा ख्याल कीप इन माइंड रखना है ना ये कित्थे काम आएगा। तुसी TET तो हर हालत च देना है जे तुसी जुड़े रहे जे तुसी क्या ते TET दी नाल तैयारी करवावांगे CTET दी PTET दी होर किसी एग्जाम दी है ना UGC नैट दी भी हो सकती है सो ये गलतियां। दूसरा तुहाडे किसी दोस्त ने दस्या सी कि उन्हें आ गलती की वह भी तुसी अपनी इस रिफ्लैक्शन लॉग बुक इस नूं कह सकते हो लॉग बुक है ना लॉग बुक ये विच तुसी नोट करनी है जे किसी अपने फ्रेंड ना गल करते हो कि उसका की अच्छा रहा उसके इस करके मार्क्स ज़्यादा आए कोई नुकता उतो सीख्या वो इस डायरी विच नोट करो तो जो अगला कोई एग्जाम देना है उसनू वो एक दो पेजा नू पढ़ के जरूर जाओ। वापस चलते हाँ फिर तुक्यां वाली सरकार को हुण ये डिस्कस करन लगे हाँ कि जिहड़े नुक्ते मेरे ख्याल पिछे नहीं दसे जां किसी वीडियो च नाल नाल मैं गलबात करदा रहा हाँ ये है कि जे ये आवे ऑल ऑफ द अबव नॉर्मली हुण ये नहीं आंदे क्योंकि इंस्ट्रक्शन हुंदी है कि अजिहे ऑप्शन नहीं पाने क्योंकि इस तो गैसवर्क बहुत जल्दी ज़्यादा लगता है तो ये हमेशा ही जिन्ने मैं एनालिसिस किए हैं UGC के पेपरों भी मैं जिहड़े क्वेश्चन भी पाए सी उन्होंने भी जान बुझ के नहीं मतलब सचमुच बन जाता है कि ऑल ऑफ द अबव ठीक है की मन के चलना है कि चार ऑप्शन है 1 2 3 4 चौथी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जी है ए फोर्थ है ना ABCD डी ऑप्शन है सो ए डी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ये है कि ये बाकी तीन ऑप्शन नालों ज़्यादा सही होने की संभावना यदि ज़्यादा होंगी है ये मन विच रखिया जा सकता है पर दूसरिया जड़िया ऑप्शन ने पहली दूजी तीजी इन्हों ते विचार करके जेकर इन्हों विचों एक या दो दा शंका पैंदी है फिर टाइम घट है तो टाइम नहीं बचिया तुसी ऑल ऑफ द अबव नू आंसर जड़ा है प्रैफर कर सकते हो जदों रीजनिंग ते नॉलेज नहीं है। दूसरा ये वड्डा एनालिसिस किया है इत्थे मैं कोई एनालिसिस अज नहीं दिखा रहा इस एनालिसिस विच पिछले पेपर 2017-2019 दे अजिहे एनालिसिस भी होए हन कि बोथ जिथे भी शब्द आया है बोथ सिर्फ एक जगह रीजनिंग मेंटल एबिलिटी च शायद कितने क्वेश्चन सी एक नू छड़ के बाकी सारे PSTET दे विच भी बोथ सब तो ज़्यादा सही
उत्तर होंदा है। जेकर किसे पूछा जाता है कि ऑप्शन एक आ ठीक है या दो ठीक है, फिर लिखा होंदा है बोथ, है ना, थले होंदा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो बोथ उत्थे मेरे हिसाब नाल 80-90% बोथ हुण तक दे एनालिसिस विच ठीक आंसर आया है। मैं थोड़ा घटा के ही दस रहा हाँ। नैक्सट बचती है कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज पिछले पेपर विच पाया गया है, मिलिया है, ये थोड़ा उल्ट है। नन ऑफ दीज बहुत ही वार रोंग ऑप्शन होंदी है। सो ये तिना ते विचार करके तुसी नवे नुक्ते जड़े है, नवे जड़े है क्वेश्चन सॉल्व करन दे अपने मन विच रख सकते हो। इस तो इलावा एक होर नुक्ता जड़ा के थोड़ा डिफिकल्ट है पर रैशनल है, वो है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट लई तुसी फाइंड आउट करना हुंदा है कि चार दे विच्चों ऑड केड़ा है। नॉर्मली किसी वेले एक टर्म नैगेटिव हुंदी है, दूसरी भी नैगेटिव हुंदी है, तीसरी भी नैगेटिव हुंदी है, चौथी पॉजिटिव हुंदी है। जेड़ी ए पॉजिटिव है ए राइट आंसर होएगी। इस तो उल्ट भी हो सकता है, जेकर किते एक पॉजिटिव है आइटम ए, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो एक नैगेटिव है तो ए राइट आंसर होएगी जेड़ी नैगेटिव है, है ना। इसके अलावा होर क्राइटीरिए केड़े ने, किसी वेले वो क्वेश्चन होल की गल करता है, एक आंसर होल की गल करता है, कॉम्प्रीहेंसिव गल हुंदा, उस विच आइडिया वड्डा है, आइडियल है, वड्डा है, कॉम्प्रीहेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, है ना, कोगनेटिव डायमेंशनस है लाइफ दियाँ, उत्ते फोकस कर रहे हैं तो वह राइट आंसर हुंदा है। फिर एक उदे होल की जगह पार्ट पर जिहड़ा फोकस कर रहा है, बाकी सब पार्ट पर फोकस कर रहे ठीक हो सकते हैं, ये जिहड़े ने ये रोंग ऑप्शन हुंदे हैं। इस तरह इस नूं रब करके अगे चलदा हाँ। हाँ इस तरह जे जेकर किते दिखाई दिंदा है कि गोल दिखाई दे रहा है कि लर्निंग दा, टीचिंग दा, या किसी भी आस्पेक्ट दा गोल की है, गोल और उसका स्टैप वो ठीक हो सकता है। ये पिछले क्वेश्चन अजिहा आया है, ये स्टैप है ठीक है, ये स्टैप है ये ठीक है, है ना, उलझ जाने हैं। बेस्ट क्वेश्चन आंसर हुंदा है तो गोल जड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इतने पेन का कलर बदल रहा हाँ, लर्निंग गोल है, लर्निंग गोल है, ओके, डेवलपमेंट गोल है, डेवलपमेंट गोल है, लेकिन इंटरस्ट क्रिएट करना, दूजे पेन लिख रहा हाँ, इंटरस्ट क्रिएट करना ये स्टैप है, अटेंशन है ना स्टैप है, क्यूरियोसिटी नू यूज करना स्टैप है। पर जो ये ऑप्शन विच नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो नैचुरली है कि तुसी स्टैप चो इन्हां चो बेस्ट जिहदे नाल बच्चा क्यूरियोसिटी अपने आप इंट्रेंसिक मोटिवेशन उन्हों मज़ा आंदा जिहड़ा काम करन नू उन्हों टीचिंग लर्निंग वरतना वो हमेशा बेस्ट होएगा। ये सारे नुकते जिन्नियां भी वीडियो बनाईयां जां तुसी देखियां ने, इन्हां दा संबंध सिर्फ तुहाडे बीएड एंट्रेंस टेस्ट नाल नहीं है, अगे टीईटी नाल है। उस तो बाद देखो तुहाडा सफर इत्थे ही खत्म नहीं होना, तुहाडा सफर कित्थे तक जाना है कि तुसी गवर्नमेंट जॉब तक जाना चाहुंदे हो, इस गल नूं देख लो। जे गवर्नमेंट जॉब तक जाना है इट मीनस के तुसी पहला बीएड एंट्रेंस टेस्ट, ये तो मान लो सीट मिल गई है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला बीएड हो गई है, उस दे नाल ही 2 साल का सफर है, 2 साल के सफर विच तुसी टीईटी करना है, बेशक सेंटर का करना है, बेशक स्टेट का करना है। उस तो बाद जो क्लीयर कर लिया है तुसी एलिजीबिलिटी पूरी करनी है, इतने एलिजीबिलिटी छोटी लिख रहा हाँ। फिर उस तो बाद तुसी जॉब सिलेक्शन टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट है, ये सारिया के विच तुहानू एक एक ही चीज़ का सामना करना पैना है, किहदा, हैम सी क्यू दा। ये सारे जेडे नुक्ते है उस नाल डील करन लई है। सो ये रिलेटिवली परमानेंट है, जे तुसी ये कर लेंदे हो सब कुछ नैचुरली है कि कल नू तुसी किसे नू गाइड भी करदे हो। सो अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ दा ख्याल रखना, टेंशन नहीं लेना, असी इस जन्म चिंता लई नहीं लिया, प्रॉब्लम लाइफ च आंदियां रहनगियां, अपने आप नू पावरफुल किद्दां करना है इस ते विचार करिए। कल जो एग्जाम है उस लई जो तुहाडे कोल है उहदे विच बेस्ट करना है, ये नहीं है कोई कोई होर पावर आके तुहाडा सब कुछ कर देगी, तुसी ही जिम्मेवार हो, तुसी ही करना है, अगे लई लैसन बना सकते हैं, डू यूअर बेस्ट।